एक तरफ उत्तर प्रदेश प्रशासन के बड़े बड़े दावे, भ्रष्टाचार से दूरी बनाने की बड़ी बड़ी बातें, जिस तरह से योगी प्रशासन में योगी और उनके नेता आए दिन बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से माफिया और भ्रष्टाचार खत्म हो चुके हैं, ऐसे में ही प्रयागराज में एक भ्रष्टाचार का ताजा ताजा मामला सामने आया है। जिस प्रयागराज के पुल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 घंटे पहले उद्घाटन किया, उसी पुल में दरार आ गई, पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि MNNIT के विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई जाएगी। प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए, भव्य स्वरूप देने के लिए योगी सरकार का प्रयास और अधिकारियों की लापरवाही एक साथ नजर आ रही है। योगी सरकार की बड़ी बड़ी बातें अधिकारियों की लापरवाही के भेंट चढ़ती जा रही है। कुंभ नगरी प्रयागराज में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और हैरान कर देने वाला मामला है। आपको बता दें कि यूपी और एमपी को जोड़ने वाली सीमा पर बनाए गए उस पुल में 10 घंटे में ही खराबी आ गई, जिसे सोमवार को खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने हाथों से लोकार्पण किया। चश्मदीदों के मुताबिक इसके अप्रोच रोड और पुल के बीच ज्वाइंटर में स्पेस आ गया, जिसे वाहनों का आवागमन रोकना पड़ा। बता दें कि प्रयागराज के 12 मेजा और कोराव तहसील को मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र से जोड़ने के लिए तमसा नदी पर बने 670 मीटर लंबे पुल में 63 करोड़ की लागत आई है। आसपास के 100 से अधिक गांव की सुविधा के लिए बने इस पुल को पूर्व में बने गौघाट पुल के जर्जर होने के बाद बनवाया गया था, लेकिन यह पुल तो पुराने पुल के जर्जर अवस्था से भी खराब बनकर निकला। मात्र एक महीने पहले बना हुआ पुल अब टूट गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराया था, शासन से बजट मंजूर कराया था और एक महीने पहले बनकर यह तैयार हुआ था। वहीं डीएम नवनीत सिंह की माने तो उनका कहना है कि पुल की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं, इसके बाद निर्माण में कैसे खामियां हैं इसकी तकनीकी जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही महाकुंभ से जुड़े सभी कार्यों की थर्ड पार्टी से जांच कराने के निर्देश दे चुके हैं, ऐसे में निर्माण की जांच भी थर्ड पार्टी ही करेगी। इसके बाद अधिकारियों की लापरवाही का कच्चा चिट्ठा सामने आएगा और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के चेहरे भी सामने आएंगे।